हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भटूरे बनाना बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने मीडियम साइज की जाली ली है, जिससे हम आटा रवा मैदा छानते हैं उस टाइप की जाली मीडियम वाली ली है। इसके अंदर मैं आधा कटोरा गेहूं का आटा ले रही हूं, एक कटोरा ये मैदा है, आधा कटोरा आटा, एक कटोरा मैदा, आधा कटोरा सूजी ले रही हूँ उसके अंदर में। इन तीनों को अच्छे से आप छान लीजिए। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से आप डाल दिए, थोड़ा कम ही डालना है, एकदम बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमें। इसी में मैं थोड़ी सी अजवाइन ले रही हूँ, इसे हल्का सा हाथ से इस तरह से मसल के इसमें डाल दीजिए। इसके अंदर मैं 6 चम्मच तेल डाल रही हूँ, जो नाश्ते का छोटा चम्मच रहता है उस चम्मच से। छह चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया। इसके अलावा मैंने 4 चम्मच दही लिया था, फ्रेश दही लीजिए, ज्यादा खट्टा मत दीजिए। इसके अंदर 2 चम्मच पानी डाल के इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इन सबको आप एकदम अच्छे से पूरा मिक्स कर लीजिए। आटा मैंने एकदम बढ़िया मिक्स कर लिया है, इसे फैला लीजिए। मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी ले रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना, ज्यादा गर्म नहीं लेना हमें, बस उसी हिसाब इसे कड़क आटा गूंथ के तैयार कर लीजिए। खूब ताकत लगा के हमें नहीं मसलना इसे, बिल्कुल हल्के हाथों से ये आटा गूंथना है। ये आटा मेरा एकदम अच्छे से गूंथ गया है। इसके अंदर बिल्कुल आधा चम्मच नाश्ते का चम्मच तेल ले रही हूँ, इस पर अच्छे से फैला दीजिए। बस इसे मिक्स करना है हमें, आधा घंटा हो चुका है। इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार, एकदम बढ़िया फूल गया है। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। ताकत बिल्कुल हल्की सी लगाई है, अब ज्यादा ताकत हमें नहीं लगानी। हमने इसमें तेल भी लगा दिया था, इसलिए हमें तेल की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे अच्छे से एक बार पूरा एक जैसा कर लीजिए। मेरा आटा एक जैसा हो गया है। इसकी आपको मीडियम लोई तोड़ना है, ज्यादा बड़ी नहीं, ना ही ज्यादा छोटी। इस तरह से थोड़ी सी दबाते हुए इसकी लोई बना लीजिए। इतनी बड़ी बना रही हूँ मैं। इसी तरह से बाकी की 2-4 बना के तैयार कर लीजिए। मैंने 5-6 लोई बना के तैयार कर ली, बाकी आटे को आप वापस ढक के और रख दीजिए। मैंने एक मीडियम साइज की लोई ली, इसे सूखा आटा जो मतलब मैदा है, मैदे में आप हल्का सा मैदा लगाना है, मैं ज्यादा नहीं लगाना है। पहले इसे आप गोल बेल लीजिए। एक जैसी पहली कहीं से मोटी पतली रहेगी तो उसी हिसाब से हमारा बन के तैयार होगा। मैंने पहले गोल कर लिया है, इसके बाद इसे हम लंबा शेप देंगे। गोल करने के बाद आप लंबा करेंगे तो इजीली हो जाता है, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। इस तरह से लंबे शेप के बना रही हूँ। ये तेल गर्म हो चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसे। जैसे डालते से फूलने लग जाए मतलब हमारा तेल एकदम बढ़िया गर्म हुआ है। इसे आप निकाल दीजिए। गैस को आप तेज रखिए, तेल गर्म हो चुका है मेरा, तेज आंच में ही इसे आपको बनाना है। इसे थोड़ा सा ऊपर होएगा तो इसे हम हल्का सा दबा देंगे। एक एक भटूरे हमारे इसी तरह से पूरे फुले हुए बनते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाने दीजिए, उसके बाद ही इसे हम पलटेंगे। बनाते समय आपको फुल आंच का ध्यान रखना है, गैस हमेशा हमारा तेज रहना चाहिए। जब ये तल के इसे हम हटा लेंगे तो ही आप गैस कम कीजिए। इसे एक बार मैं पलट देती हूँ, इधर से भी कलर बढ़िया आ गया है। इस तरह से आप कलर को बढ़िया आने दीजिए। इसी तरह से नीचे से भी कलर आ जाएगा तो एकदम हमारे बढ़िया कुरकुरे बनेंगे। रवा और मैदा आटा तीनों मिक्स करके हमेशा मैं बनाती हूँ, इससे बिल्कुल भी तेल नहीं पीते। बस इधर से कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका कलर नीचे चेंज हो चुका है, इसे आप निकाल दीजिए। मैं इसी तरह से दूसरा भी डाल रही हूँ। ये भी हमारा पूरा फूल गया अच्छे से एकदम। इधर का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद ही हम पलटेंगे। इसे हमें बिल्कुल बीच में बार बार बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो ये फटने लग जाते हैं। इसे मैंने पलट दिया है, बस हल्का सा नीचे से कलर चेंज आएगा, इसे हम निकाल देंगे। ये भटूरे मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने ये छोले बनाए। छोले का वीडियो मेरा पहले डल चुका है,
अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।